तो आइए अब हम चलते हैं आमेर के शासक मानसिंह और उनकी रानियों के महलों की ओर। तो ये जो सामने आपको रूम दिखाई दे रहा है, ये आमेर के शासक मानसिंह का प्राइवेट रूम था। मानसिंह जो कि अकबर के एक सेनापति और उसके नवरत्नों में से एक थे। अब देखिए ये जो पूरा परिसर आपको दिख रहा है, तो यहाँ राजा मानसिंह की रानियां रहा करती थी। रानियों के अलावा यहाँ राजमाता और दासियां भी रहती थी। ये टोटल 12 कंपार्टमेंट है और हर दो कंपार्टमेंट के बीच में एक बड़ी दीवार बनी हुई है, यानी कोई भी दो रानियां सीधे एक दूसरे को नहीं देख सकती थी और ना ही ये पता किया जा सकता था कि राजा जो है वो इस समय किस रानी के पास में है। तो ये टोटल 12 कंपार्टमेंट हैं, हर एक लाइन में 3 कंपार्टमेंट हैं और टोटल ये 4 लाइनें हो गई, तो ये टोटल 12 कंपार्टमेंट हो गए। और हर कंपार्टमेंट तक पहुंचने के लिए अलग से सीढ़ियां बनी हुई हैं। तो मानसिंह को जिस भी रानी के पास में जाना होता था, तो इन कंपार्टमेंट के ऊपर एक गली बनी हुई है। उस गली से होते हुए और पीछे सीढ़ियों के माध्यम से अलग अलग कंपार्टमेंट तक, यानी अलग अलग रानियों तक जाया जा सकता था। अब देखिए यहां पर इस परिसर में ये कुछ चौकियां आपको दिखाई दे रही हैं। तो इन चौकियों में सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था की जाती थी, और जो सिक्योरिटी गार्ड होते थे वो ना तो मेल होते थे ना फीमेल होते थे, यानी ना तो पुरुष होते थे ना जनाना होते थे। तो थर्ड जेंडर के जो लोग होते थे, उन लोगों की ही यहां पर इस परिसर में नियुक्ति की जाती थी। और ये जो पूरा परिसर आपको दिखाई दे रहा है, ये इस आमेर महल का सबसे पुराना स्ट्रक्चर है, यानी कि ये वो आमेर महल का वो स्थान है जो सबसे पहले बनाया गया था। इसको मानसिंह के द्वारा बनाया गया, फिर आमेर महल का बाद का जो पार्ट है वो मिर्जा जयसिंह के द्वारा बनाया गया था, और फिर सवाई जयसिंह जो शासक थे उनके द्वारा यहाँ आमेर महल के गणेश पोल पर पेंटिंग का कार्य कराया गया था। अब देखिए यहाँ इस परिसर में, यानी मानसिंह महल के इस परिसर के सेंटर में आपको ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, तो जब भी यहाँ पर कोई फेस्टिवल कोई आयोजन होते थे, तो इस स्थान पर सभी रानियां राजमाता और दासियां एकत्रित हो जाती थी और फिर यहाँ पर सेलिब्रेशन किया जाता था, सेलिब्रेट करते थे, गीत भजन वगैरह गाए जाते थे, जैसा भी उनको सेलिब्रेट करना होता था वो यहाँ पर सेलिब्रेट किया करते थे। यहाँ जो रानियां रहती थी, तो बहुत ऐसी रानियां भी थी जिनके पास में बड़ी बड़ी जागीरों के पट्टे हुआ करते थे, यानी कि उन जागीरों का स्वामित्व उन रानियों के पास में होता था। तो इसीलिए बहुत सी जागीरें ऐसी भी थी उस समय कछावा राजवंश के अंतर्गत आने वाली, जिनका शासन और प्रशासन यहीं से मानसिंह महल से ही संचालित होता था। मानसिंह के कमरे के ठीक सामने ये एक और कमरा है, जिसमें दीवार पर ये नीचे की ओर कुछ पेंटिंग बनी हुई है, और ये पेंटिंग देखने में काफी सुंदर भी है और आकर्षक भी है। तो ये जो परिसर था ये मानसिंह महल का था। अब इसके बाद चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, और आमेर महल का जो पीछे का पार्ट है जहां पर पहले मीणा शासन किया करते थे, उस हिस्से की ओर हम चलते हैं। आमेर महल के ठीक पीछे तलहटी में आपको प्राचीन यानी पुराने कुछ खंडहर दिखाई देंगे। ये खंडहर तब के हैं जब यहाँ पर मीणा शासकों का शासन हुआ करता था, यानी कि कछावा राजपूतों का आमेर के क्षेत्र पर अधिकार होने से पहले इस क्षेत्र पर मीणाओं का अधिकार हुआ करता था। लेकिन बाद में कछावा राजवंश के शासक कोकिल देव या काकिल देव ने मीणाओं को पराजित करके इस क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया था। यहाँ आमेर से पहले उनकी जो राजधानी थी, यानी कछावा राजपूतों की जो राजधानी हुआ करती थी, वो जमवा रामगढ़ हुआ करती थी। लेकिन बाद में फिर जमवा रामगढ़ के स्थान पर उन्होंने आमेर को अपनी अगली नई राजधानी बनाया था, और फिर आमेर के बाद यहाँ के दूसरी जो राजधानी बनी वो जयपुर हो गई थी, यानी वर्तमान चार दीवारी के अंदर का जो जयपुर है उसको राजधानी के तौर पर जयपुर के शासक सवाई जयसिंह द्वारा शिफ्ट कर लिया गया था। आमेर महल के ठीक पीछे एक दुर्ग बनाया गया था जिसको जयगढ़ दुर्ग कहा जाता है, और इस जयगढ़ दुर्ग को बनाने का उद्देश्य ये था कि यदि कभी आमेर के महल पर आक्रमण हो जाए तो राजे रजवाड़े और उनके परिवार को, यानी राज परिवार के सदस्यों को सुरक्षित आमेर के महल से निकालकर जयगढ़ के दुर्ग में शिफ्ट किया जा सके। इसी उद्देश्य से जयगढ़ का दुर्ग बनाया गया था। हालांकि इस आमेर के महल से एक सुरंग निकलती है जो कि पीछे जयगढ़ के दुर्ग को भी कनेक्ट करती है, और जयगढ़ के दुर्ग की ओर एक रास्ता जाता है जो आमेर के महल से जाता है, जिसको आवनी या आवनी दरवाज़ा कहा जाता है। तो देखा जाए तो एक प्रकार से ये काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट था कि आमेर के महल के पीछे जो जयगढ़ का दुर्ग बनाया वो एक प्रकार से आमेर महल के लिए बैकअप का कार्य करता था, सपोर्ट का कार्य करता था, और पीछे उस दुर्ग में सेना तैनात रहती थी जो इमरजेंसी में काम आती थी। तो आइए अब हम चलते हैं आमेर महल में रखी हुई दो बड़ी बड़ी कढ़ाइयों की ओर। तो ये जो आपको दो बड़ी बड़ी लोहे की कढ़ाइयां नजर आ रही हैं, ये आमेर महल के पीछे की ओर रखी हुई हैं,
और मैंने पर्यटकों को नोटिस किया, जब वो इन कढ़ाइयों को देखते हैं तो बात करते हैं कि शायद ये कढ़ाइयां रियासत काल की हैं और राजा महाराजाओं का भोजन इसी कढ़ाई में पकाया जाता रहा होगा। लेकिन अगर आप इन कढ़ाइयों को गौर से देखें तो इनको वेल्डिंग करके बनाया गया है, और हम जानते हैं कि रियासत काल में जो कढ़ाइयां थी उनको वेल्डिंग करके नहीं बनाया जाता था। दरअसल इन कढ़ाइयों को एक मूवी जोधा अकबर की शूटिंग के दौरान यहां जयपुर में बनवाया गया था और फिर इनको यहीं पर छोड़ दिया गया था। अब देखिए, इन्हीं कढ़ाइयों के ठीक सामने ये जो आपको गेट नजर आ रहा है तो यही वो सुरंग है जो आमेर के महल को पीछे जयगढ़ के दुर्ग के साथ में जोड़ती है। आइए अब हम चलते हैं पुराने समय के बिना बिजली से चलने वाले फ्रिज की ओर। ये है पुराने समय का बिना बिजली से चलने वाला फ्रिज। दरअसल ये एक मिट्टी का मटका है जिसको अभी उल्टा रखा हुआ है, और जैसा हमारे गाइड जीएल कुमावत जी बता रहे हैं कि इसको मिट्टी में गड्ढा खोद के रख दिया जाता था और इसमें पानी भर दिया जाता था, और हम जानते हैं कि मिट्टी के मटके में से पानी हल्का हल्का रिसता रहता है और इसी वजह से पानी ठंडा भी रहता है। आमेर के महल में वाटर कंजर्वेशन की भी बहुत गजब की व्यवस्था की हुई है। अभी हम खड़े हैं दीवाने आम के नीचे बने हुए एक पानी के टांके के पास में। टांके का अर्थ हो गया पानी का टैंक। तो इस पूरे आमेर महल में तीन वाटर टैंक बनाए हुए हैं, एक जलेब चौक के नीचे बनाया हुआ है, दूसरा दीवाने आम के नीचे बनाया हुआ है जहां पर अभी हम खड़े हैं, और तीसरा है मानसिंह महल के नीचे की ओर। तो यहां जब भी बारिश होती थी तो बारिश का सारा पानी इन तीनों टैंक में इकट्ठा हो जाता था, और इसी टैंक के पानी को जितने भी सैनिक होते थे या महल के कर्मचारी होते थे वो उस पानी का उपयोग करते थे। आज भी ये तीनों टैंक चालू हैं और यहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं वो इन पानी का उपयोग करते हैं, और जमीन के नीचे होने की वजह से बहुत कम मात्रा में वेपराइज होता है और पानी जो है वो अच्छे से संरक्षित रहता है। तो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और हमारी इस आमेर महल की यात्रा की समाप्ति आमेर के महलों में स्थापित शीला माता के दर्शनों से करते हैं। शीला माता जिनकी मूर्ति को मानसिंह प्रथम के द्वारा बंगाल से लाकर यहां स्थापित कराया गया था, और जयपुर के ही शासक सवाई राम सिंह सेकंड के द्वारा उनके मंदिर का वर्तमान स्वरूप दिया गया था। हालांकि यहां पर लगे हुए नोटिस बोर्ड के अनुसार हम अंदर कैमरा नहीं ले जा सकते, इसीलिए मैं नियमों की पालना करूंगा और शीला माता के दर्शन के लिए आपको यहां पर स्वयं ही आना होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको आमेर महल की इस यात्रा का आनंद प्राप्त हुआ होगा। धन्यवाद। थैंक यू।